सिद्धार्थनगर जिले में बुधवार सुबह 5 बजे 55 वर्षीय एक व्यक्ति गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम कमरुज्जमा है। वो चिलिया थाना क्षेत्र के कोल्हवा गांव का निवासी है। कमरुज्जमा को गोली गांव की मस्जिद में उस समय मारी गई जब वो नमाज पढ़ने गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना को लेकर अहम क्लू मिलने का दावा किया है और जल्द ही घटना के पर्दाफाश होने की बात कही। बुधवार की सुबह कोल्हवा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भाई की गोली मारकर हत्या की खबर सुनी। ग्रामीणों के अनुसार मृतक कमरुज्जमा ने हमेशा की तरह आज सुबह मस्जिद में फज्र की अजान दी। अजान के कुछ देर बाद लोगों ने धमाके की आवाज सुनी, लेकिन लोगों ने इस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद जब और नमाजी मस्जिद में आए तब उन्हें घटना की जानकारी हुई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया है। घटना स्थल पर मौजूद अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने दावा किया है कि घटना स्थल से ही पुलिस को अहम सबूत मिल गए हैं और जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होगा। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए सिद्धार्थनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज जो मेरी तरह हुई है, इनका नाम है कमरुज्जमा सनाफ जमीलुल्ला। ये रोज के मुताबिक 4 बजे फजर की अजान दे रही है। अजान देने के बाद मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद कुरान शरीफ की तलावत करते हैं। ये रोज की बात है इनकी। फिर इसी बीच में एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जो गांव में जितने लोग जग रहे थे मैक्सिमम लोगों ने इस बात को सुना, इस आवाज़ को सुना, लेकिन लोग ये जान रहे थे कि कहीं कोई ट्रांसफार्मर दग गया, स्टेबलाइजर दगा या कोई बॉक्स वगैरह ऊपर से गिर गया, ऐसा लोग कह के। फिर उनके भाई सगे भाई फिर आए और ये करीब 4:45 बजे की बात है, वो आए अंदर गए मस्जिद में, देखा उनको कि वो बिल्कुल सजदा के स्वरूप में वो ज़मीन पर लुढ़के हुए थे। बल्कि उन्होंने डांटा बोला कि क्यों इस तरह आके सो रहे हो, क्या हो गया, उठो। लेकिन अब वो गोली लग चुकी थी उनके गर्दन के नीचे, गर्दन पे वो मर चुके थे, वो बोले नहीं कुछ। फिर देखा उसने, हिलाया उलाया, फिर गांव के एक इस्लाम नाम करके आदमी आए, वो देखे, दोनों मिलके गांव में हल्ला वल्ला किए। तब तमाम लोग, हम सारे लोग तब पहुंचे घटना स्थल पर, देखा गया, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। अच्छा, ये मतलब क्या इनकी किसी तरह की कोई दुश्मनी या इस तरह से कोई बात, जैसे कोई पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी इनके भाई थे, तो क्या इस तरह से पुलिस? नहीं, इनके भाई ब्लॉक प्रमुख थे, वो उनकी पत्नी भी 5 साल रही है, कुल मिला के ये लोग 10 साल रहे हैं प्रमुख। लेकिन मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के कोई जानी इस तरह की रंजिश हो, कोई रंजिश हुई, ये तो मेरे नाले में ऐसा कुछ नहीं। अब ये तो उनके परिवार के लोग ही बता सकते हैं। जनपद सिद्धार्थनगर का थाना चिलिया है, उसके कोल्हवा गांव में एक मस्जिद है जिसमें एक कमरुज्जमा नाम के व्यक्ति हैं। लगभग 55 साल उम्र है इनकी और प्रतिदिन की तरह ये नमाज पढ़ने के लिए आते थे और ये नमाज पढ़ने के लिए आज आए हुए थे और पीछे से आ करके किसी ने फायर करके इनकी हत्या कर दिया। इसमें सूचना मिलने पर तत्काल हमारी स्थानीय पुलिस, हमारे क्षेत्राधिकारी सौरतगढ़, क्षेत्राधिकारी सदर और पूरे SO मोहाना कपिलवस्त और पूरी टीम हमारी यहाँ पर पहुँची है। आसपास हम लोगों ने सभी सैंपल कलेक्ट किया, हमारी फॉरेंसिक टीम ने सैंपल कलेक्ट किया है और क्राइम सीन से हम लोगों ने कनेक्ट किया है और बहुत महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं और इसके बारे में हम लोगों को जानकारी हो गई है किसने घटना किया है और बहुत जल्दी हम उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजेंगे।